ऑल लद्दाख स्टूडेंट एसोसिएशन जम्मू का और झांसकर स्टूडेंट एसोसिएशन का एक एक्स प्रेसिडेंट रह चुका हूँ। तो आज हमारा ये जो प्रोटेस्ट करने का मेन रीज़न जो है वो यही है कि झांसकर जो सब डिवीजन है अभी डिस्ट्रिक्ट करगिल के अंदर आते हैं, उसको एमपी साहब ने लोकसभा इलेक्शन के टाइम पे उन लोगों ने प्रॉमिस किया था कि झांसकर को जितना हो सके जल्द से जल्द एक सेपरेट डिस्ट्रिक्ट का दर्जा दिया जाएगा, क्योंकि उन लोगों ने कहा कि ये बहुत सी जेन्युइन डिमांड है, लोगों को दिक्कत भी है, डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर से इतना दूर है और लोगों को इतना ट्रेवल करना पड़ता है, रोड कंडीशन बहुत ही ख़राब है, और जो डिस्ट्रिक्ट करगिल जिसमें हम अभी डिस्ट्रिक्ट करगिल के अंदर है, डिस्ट्रिक्ट करगिल के जितने भी गवर्नमेंट्स आए हैं, जितने भी पॉलिटिकल पार्टीज जो पावर में आया है, उन लोगों ने मतलब किसी एक पर्टिकुलर पार्टी को ना हम नहीं बोल रहे हैं, हम सारे जितने भी लोग आए उन लोगों ने टू सम एक्सटेंट नेग्लिजेंस हुआ है झांसकर को लेकर, डेवलपमेंटल स्टेट पर देखा जाए या जॉब्स में भी देखा जाए तो बहुत सारी चीज़ों में नेग्लिजेंस हुआ है, इसलिए हम चाहते हैं कि हमारे झांसकर को एक अलग से डिस्ट्रिक्ट का दर्जा दिया जाए। तो इसमें देखो एमपी का इलेक्शन ख़त्म हो गया, इतना साल हो गया तो इतने देर से डिले हो रहा है, डिले होने का ना कोई वजह नहीं बताया जा रहा है ना फिर क्यों डिले हो रहा है उस पर कोई कुछ नहीं कर रहा है। और दूसरा हमारा मैसेज जो है सिर्फ एमपी साहब को नहीं, हमारा एक मैसेज जो है कोऑर्डिनेशन कमेटी झांसकर बोल के एक फॉर्म किया गया था, जब एमपी साहब को हमने ये मांग आगे रखी थी तो झांसकर के आवाम को उन लोगों ने कन्विंस किया था कि हम लोगों को एमपी साहब को वोट करना चाहिए क्योंकि हमें डिस्ट्रिक्ट की ज़रूरत है, तो वो लोग आगे आके सबको कन्विंस किया था पूरे झांसकर की पब्लिक को। आज जब डिस्ट्रिक्ट यहाँ नहीं मिल रहा है, और कोई नहीं मिल रहा तो छोड़ो चलो कुछ हो सकता है, लेकिन ट्रांसपेरेंसी नहीं है कि क्यों नहीं मिल रहा है, कब मिलेगा, कोई क्लियरिटी नहीं है, उसमें पूछताछ करने वाले एमपी साहब को या फिर कोई भी कंसर्न बीजेपी के कोई भी नेता है हमारे वहाँ पे उनको क्वेश्चन करने के लिए वो कोऑर्डिनेशन कमेटी के कोई भी मेंबर आज आगे नहीं आ रहा है। तो हम उनसे पूछना चाहते हैं कि जब आप वोट मांग रहे थे तो आप आगे आए थे कि वोट दो हमें सेपरेट डिस्ट्रिक्ट का वो मिलेगा, आज कोई मतलब कोई आंसर देने वाला है नहीं, ना कोई पूछताछ करने वाला नहीं है, तो हम कोऑर्डिनेशन कमेटी से पूछना चाहते हैं आप लोग कहाँ हो और चुप क्यों हो। हम नहीं बोल रहे कि वायलेंटली कुछ करो गवर्नमेंट के अगेंस्ट, हम नहीं बोल रहे हैं, हम सिर्फ यही कह रहे कि एक डेमोक्रेटिक कंट्री के एक हम वासी है यहाँ पे, तो हमारा हक बनता है कि क्वेश्चन पूछे उनसे आखिर नहीं मिल रहा है तो क्यों नहीं मिल रहा है। तो वही है बस सिंपली, और कुछ ज़्यादा नहीं है।